सीवान लोकसभा क्षेत्र के दरौंदा प्रखंड के कई इलाकों का दौरा किया हिना साहब ने। दरअसल आपको बताते चले कि आज भारी बारिश हो रही थी और इस बारिश में भी हिना साहब दरौंदा प्रखंड के कई पंचायतों में पहुंची, जहां पर लोगों के द्वारा गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। आपको बताते चले कि हिना साहब का जो चुनाव चिन्ह मिला है वो ऑटो रिक्शा यानी कि टेम्पो छाप है, जो कि EBM के क्रमांक संख्या 13 पर रहेगा। तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं हिना साहब का जोरदार तरीके से महिलाएं स्वागत कर रही हैं। हिना साहब सीवान के पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन की पत्नी हैं और इस बार निर्दलीय चुनाव लड़ रही हैं और काफ़ी अपने आप को मजबूत भी समझ रही हैं, क्योंकि जिस तरीके से जो जनसैलाब जो भीड़ उनके साथ दिखाई दे रही है उससे ऐसा लग रहा है कि हिना साहब को इस बार जनता दिल्ली जाने का मौका जरूर देगी। और ये तस्वीर है, आप देख सकते हैं दरौंदा प्रखंड के अलग अलग इलाकों से जो हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि बारिश हो रही थी, लेकिन उसके बावजूद एक महिला होते हुए भी हिना साहब का जो दौरा है वो बिल्कुल धुआंधार दौरा चला। पति के नहीं रहने के बाद भी हिना साहब बिल्कुल तमाम लोगों का साथ लेकर के और निकल चुकी हैं फील्ड में, लोगों तक जा रही हैं और अपने पक्ष में मतदान करने की अपील भी कर रही हैं और हिना साहब को भरपूर समर्थन भी मिल रहा है। तो आइए सीधे ले चलते हैं और सुनते हैं कि इनके समर्थकों ने क्या कुछ कहा हिना साहब को लेकर। ATN लाइव के लिए रिशु और आतिब के साथ चंदन कुमार सीवान। हम कहेंगे कि भाई विकास के लिए हिना साहब हम लोगों के लिए अच्छा है, प्रत्येक जात जो है इन्हीं के साथ में है। हम दरौंदा भी जाते हैं आते हैं, वहाँ भी उधर के लोग भी इनके साथ में है। हिना साहब में मैंने देख रहे हैं कि प्रत्येक जात से मिलते जुलते हैं और लोग जो है काम जब होता है तो इसके बाद उन लोग आउट हो जाते हैं, छोड़ देते हैं। हम लोग वोट देंगे हिना साहब को और दिलवाएंगे। क्या लगता है मैडम? हाँ जीतेंगे जीतेंगे, विकास करवे करेंगे। नाम जंग बहादुर राम पिनरथू काला, वार्ड नंबर 10। बहुत अच्छी की बात है, वोट दीजिएगा। हाँ वोट हम लोग देंगे। क्या लगता है वो जीतेंगे तो विकास करेंगे? हाँ तभी तो हम लोग कर रहे हैं, हम लोग को जात पात से कोई बॉस नहीं है, हम लोग को विकास से जरूरत है। हमारा नाम पारसनाथ सिंह है। ठीक बात है, और इस बार सारे जाति बिरादरी के लोग मिल करके और पार्टी से ऊपर उठ करके हिना साहब को जिताने के लिए संकल्प ले लिया है लोग, और उसी के तहत हिना साहब घूम रही हैं। इस बार कहीं शक सुबह की गुजाइश नहीं है, हिना साहब लोकसभा पहुंच रही हैं, कहीं शक सुबह की गुजाइश। देखिए 100% साबुद्दीन साहब ने तो विकास का जो दरिया बहाया था, अगर आज वो होते तो सिवान बहुत आगे हो गया होता, आज यहाँ के सारे समस्याएं दूर हो गई होती, चिकित्सा से लेकर के और पढ़ाई के मामले में, कॉलेज के मामले में, विश्वविद्यालय के मामले में बहुत आगे बढ़ गया होता। उनका एक सपना था कि सिवान को ऐसा बनाया जाए कि यहाँ के बच्चे को पढ़ाई करने के लिए, इंजीनियर डॉक्टर बनने के लिए किसी दूसरे राज्य में, दूसरे स्टेट में नहीं जाना पड़े, यहीं पढ़ें। लेकिन उनका सपना जो अधूरा था, उसी सपना को पूरा करने के लिए संकल्पित होकर के हिना साहब ने आगे बढ़ी हैं, घर से बाहर निकली हैं और लोगों को अपार समर्थन मिल रहा है, और इस बार उनका जीत सुनिश्चित है और जो विकास का काम साबुद्दीन साहब का अधूरा था उसको वो पूरा करेंगे। मेरा नाम नईमुल हक सिद्दीकी हुआ और पिनरथुखुर्द पंचायत के वर्तमान मुखिया हुए।